मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर आज आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अनेक कदम उठाए हैं और हिमाचल में 1,28,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी 9,61,000 किसानों को इस खेती को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक शुरुआत हिमाचल की देवभूमि से हमने करने की कोशिश की और वो आज कॉन्सेप्ट जो है पूरे देश भर में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में श्री सुभाष पालकर जी ने अपनी बात कही, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष तौर से मैं डॉक्टर राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि नीति आयोग से जिस प्रकार से आपने प्राकृतिक खेती के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और मजबूती दी और जिस प्रकार से आज भी आपने हम सब का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने भी वेबिनार में भाग लिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के हिमाचल सरकार के प्रयासों को सराहा। पद्मश्री सुभाष पालेकर ने इस मौके पर प्राकृतिक खेती से होने वाले अनेक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।